भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान के द्वारा डाकपत्थर में कार्यकर्ताओं के सहयोग से सफाई कर्मचारियों को मास्क, सैनिटाइजर व अन्य रक्षा सामान वितरित किया गया। इस अवसर पर कर्मचारियों द्वारा अपनी समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन विकासनगर विधायक को सौंपा। इस अवसर पर नीरज चौहान, मुकेश वर्मा, अनुपा टांक, सुनीता गुलेरिया, सरोज गांधी, दीपा राघव आदि उपस्थित रहे। विकासनगर के व्यापारियों की समस्याओं को देखते हुए बुधवार को विकासनगर के पूर्व विधायक कुलदीप कुमार व अरुण मित्तल द्वारा माननीय मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मुलाकात कर विकासनगर विधानसभा के व्यापारियों के हित में बाजार को COVID-19 के दिशा निर्देशों के अनुसार जल्द से जल्द खोलने की अपील की। आम आदमी पार्टी नेता एडवोकेट गुरमेल सिंह राठौर व ग्रामीणों ने लांगा रोड पर मानकों की अनदेखी कर चलाए जा रहे हॉटमिक्स प्लांट के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया। लांगा रोड स्थित हॉटमिक्स प्लांट को ग्रामीणों के विरोध के उपरांत दो माह पूर्व उप जिलाधिकारी विकास नगर सौरभ असवाल के द्वारा सीज किया गया था। पचवादून ग्रिल बेल्ट होने के कारण यहाँ पर हॉटमिक्स प्लांट चलाने पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। विरोध प्रदर्शन करने वालों में कमलजीत सिंह, विनोद राठौर, संजय करमवीर, कमलजीत सिंह, राकेश मल्होत्रा, राहुल आदि दर्जनों ग्रामीण उपस्थित थे। देश भर में लॉकडाउन के दौरान गरीब परिवारों को सबसे अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में रामपुर कला और सैंसपुर गांव में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव आकिल अहमद ने ऐसे कई जरूरतमंद गरीब परिवारों को राशन, मास्क व सैनिटाइजर वितरित किया। इस मौके पर इमरान अल्लाह रखा, साजद नसीम, जावेद, अनीस प्रधान आदि उपस्थित रहे। पछवादून और जौनसार बाबर क्षेत्र में बुधवार को 46 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैंसपुर की प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विनीता सियाना ने बताया कि बुधवार को सैंसपुर ब्लॉक में 14 कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं उप जिला चिकित्सालय विकासनगर की सहायक नोडल अधिकारी रितु जोशी ने बताया कि 28 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इसके साथ ही त्यूणी में 2, कालसी व चकरौता में 1-1 कोरोना संक्रमित मरीज पाया गया है। सभी संक्रमितों को होम आइसोलेशन में रखकर कोरोना किट मुहैया करा दी गई है। देख रहे थे उत्तराखंड का अपना न्यूज चैनल उत्तराखंड सनसनी। और अधिक खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।